प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और कौन सा अल्ट्रासाउंड सबसे जरूरी होता है? गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर महिला को बहुत से टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, साथ ही महिला को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की जांच करवाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है, कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है, इसके बारे में पता चलता है, जिससे यदि कोई परेशानी होती है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही उस समस्या का इलाज शुरू हो जाता है और गर्भवती महिला को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाने से गर्भ में शिशु की स्थिति जानने में मदद मिलती है, साथ ही पता चलता है कि गर्भ में शिशु का कितना विकास हो चुका है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और कौन सा अल्ट्रासाउंड सबसे जरूरी होता है और अल्ट्रासाउंड में क्या क्या जानने में मदद मिलती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं? गर्भावस्था के दौरान हर एक महिला की स्थिति एक जैसी नहीं होती, ऐसे में ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर महिला को एक जितने ही अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह डॉक्टर दें। वैसे आम तौर पर प्रेगनेंसी में तीन अल्ट्रासाउंड होते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड पहली तिमाही में, दूसरा अल्ट्रासाउंड दूसरी तिमाही में और तीसरा अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के आखिरी महीने की शुरुआत में होता है। साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड कब और कितने समय बाद करवाना है, इसके बारे में महिला को डॉक्टर द्वारा बता दिया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई समस्या है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो महिला को तीन से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह डॉक्टर आपको दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है? गर्भावस्था के दौरान पहले अल्ट्रासाउंड के दौरान शिशु के दिल की धड़कन की जांच की जाती है। यदि पहले अल्ट्रासाउंड में शिशु की दिल की धड़कन आ जाती है तो दूसरा अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता। यदि शिशु की दिल की धड़कन नहीं आती तो डॉक्टर आपको एक हफ्ते बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बुला सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे अल्ट्रासाउंड में शिशु के अंगों की जांच की जाती है, शिशु के अंग सही से विकसित हुए हैं या शिशु को कोई दिक्कत तो नहीं है। गर्भावस्था के दौरान तीसरे अल्ट्रासाउंड में गर्भ में शिशु की स्थिति के बारे में जाना जाता है, जैसे कि कहीं शिशु के गर्भनाल तो नहीं लिपटी, शिशु कौन सी पोजीशन में है, शिशु ने अपना सर नीचे किया है या फिर नहीं। अब बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान कौन सा अल्ट्रासाउंड सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड जरूरत से ज़्यादा नहीं करवाए जाते, जो जरूरी होते हैं केवल वही अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। लेकिन यदि सबसे जरूरी अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो गर्भवती महिला को पहला और दूसरा अल्ट्रासाउंड हर हालत में जरूर करवाना चाहिए। क्या अल्ट्रासाउंड करवाने से गर्भ में शिशु को कोई दिक्कत या कोई नुकसान होता है? जी नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाने से शिशु को कोई भी नुकसान नहीं होता, साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने से गर्भवती महिला को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि गर्भवती महिला को जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड के दौरान जो जेल इस्तेमाल किया जाता है वह जेल शिशु तक किसी भी तरह की हानिकारक किरणों को पहुँचने नहीं देता, जिससे शिशु को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के दौरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विकिरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये हैं प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाने से जुड़ी जानकारी। अगर आप भी माँ बनने वाली हैं तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड क्यों और कब करवाया जाता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान महिला को कभी भी अपनी मर्जी से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।